और एक बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जबकि अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और ऐसे में इंडी गठबंधन में छिड़ी घमासान और तेज होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, 14 जनवरी से उनकी न्याय यात्रा शुरू होगी, इम्फाल से इस यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडी गठबंधन में क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है और ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। और इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि उम्मीद है यात्रा से पहले इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे वाद विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, इसमें सब एक दूसरे से अधिक सीट लेना चाह रहे हैं। ये स्वार्थी गठबंधन है, तो कोई 50 मांग रहा है तो कोई 2 दे रहा है, तो ये लड़ाई तो है तो होगी होगी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ कभी नीतीश कुमार रूस जाते हैं तो संयोजक बनाने की बात होती है तो उनके लोग कहते हैं तो प्रधानमंत्री मटेरियल है, वहाँ ममता जी कहती है मैं क्यों नहीं, कांग्रेस लोग कहते हैं राहुल गांधी क्यों नहीं, यूपी में अखिलेश के लोग कहते हैं अखिलेश जी क्यों नहीं, वहाँ कहते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे क्यों नहीं। एक तरफ ये हाल है, नेता का पता ना नीति का पता ना नीयत का पता, और हो रही उठापटक, तो देश ऐसे लोगों के साथ नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा, ऐतिहासिक विजय होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से मिल रही है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बीएसएफ को शाहजहां शेख के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और वहीं बांग्लादेश में चुनाव की वजह से भी बॉर्डर पर पहरेदारी सख्त है। ऐसे में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बांग्लादेश भागने का प्लान फेल हो गया। और ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि शाहजहां शेख का घर बांग्लादेश सीमा के काफी करीब बताया जाता है और आपको ये भी बता दें कि यहां आरोप ये तक लगते हैं कि बांग्लादेश में उनका मकान और काफी संपत्ति भी है। ईडी के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, मगर बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से शाहजहां शेख कामयाब नहीं हो पाए। बंगाल के राज्यपाल को शिकायत ये मिली है कि शाहजहां शेख आतंकियों के भी संपर्क में है, इसलिए राज्यपाल ने बंगाल पुलिस के चीफ को टीएमसी नेता को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। और ईडी का मानना है कि शाहजहां और उनका परिवार पश्चिम बंगाल में ही छिपा हुआ है। राशन घोटाले की जांच करने के लिए 2 दिन पहले ईडी उत्तर 24 परगना जिले में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई थी, मगर शाहजहां शेख ईडी के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे क्योंकि ईडी पर इलाके के लोगों ने हमला कर दिया था। ईडी ने दावा किया कि रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर के अंदर ही मौजूद थे, उनके मोबाइल फोन की लोकेशन घर के अंदर की पाई गई थी, मगर वो दरवाजा बंद करके बैठे रहे और बाहर 1000 लोगों की भीड़ ईडी के अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस पूरी हिंसा का फायदा उठाकर शाहजहां शेख भाग निकले, उनका पूरा परिवार गायब है और उनके घर पर ताला लटका हुआ है। और इस बीच बीजेपी ने शाहजहां शेख का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो एक कार्यक्रम में मंच से अपने समर्थकों के सामने बीजेपी को धमकाते दिखाई दिए। শুধু তোর পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বালতদুরের কথা একটা চুল ছিঁড়ে দেবা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নে এবারে শুনে রেখে দাও বিজেপির নেতারা চ্যালেঞ্জ করে বলছি
এবার তোমাদেরকে শুলে তুলব চব্বিশে নির্বাচনের পরে। শিগুড়িবাসী একবার শিগুড়ি বাদ দিয়ে একবার সন্দেশখালী মাটিতে বাদ দিয়ে দেখা, গায়ে তো চামা থাকবে না, বুড়ো শর্মীর চাপড় বেইমা। इसी वजह से बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर राशन पानी लेकर चढ़ी हुई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस शारजा शेख को ईडी के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे रही थी। बंगाल गवर्नमेंट इसमें पूरा के पूरा उसका मिला भगत है। जब ईडी का टीम छोटा से सेंट्रल फोर्स लेकर फल्लेक से निकला था सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, तब पहले जानकारी शाहजहां शेख और उनकी गुंडा को पुलिस ने जानकारी दी कि तुम ये आ रहा है, तुम अपनी आदमी को असेंबली कर लो, जमाड़ा कर लो और उसका ऊपर हमला कर दो। मगर सवाल ये है कि शाहजहां शेख कौन है जिनकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया। तो आपको बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख जिला परिषद में पदाधिकारी हैं, जो कि इससे पहले नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे। उत्तर 24 परगना के जिस संदेश खाली इलाके में ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था, कहा जाता है कि वहां शाहजहां शेख की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के नाम पर ईंट के कई भट्टे हैं। 2011 तक वो सीपीआईएम में थे, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया और धीरे धीरे वो राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी हो गए। ज्योतिप्रिय मलिक को राशन घोटाला मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और उधर ईडी ने छत्तीसगढ़ में भी बड़ा एक्शन लिया है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि बघेल को जल्द ही ईडी समन्स भेज सकता है। यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिली है, जहां पर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस पूरे मामले को उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताया। ईडी ने आपको बता दें कि इस केस में पिछले साल छत्तीसगढ़ चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले महादेव ऐप के कुरियर असीम दास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। असीम दास ने ईडी को बताया था कि महादेव ऐप से जुड़ा 5 करोड़ कैश दुबई से छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के लिए भिजवाया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी किया है, लेकिन भूपेश बघेल का दावा है कि असीम दास पर दबाव बनाकर उनसे बयान लिए जा रहे हैं। भूपेश बघेल को उनकी पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का साथ मिला है, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को केंद्र के इशारे पर एक्शन बताया है। भूपेश बघेल जी का नाम पहले भी ईडी के प्रेस नोट के माध्यम से उजागर किया गया था चुनाव से पहले, और उस समय स्पष्ट दिख रहा था कि चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना, पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, मनी ट्रेल कहाँ है, कहाँ गया, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस बैंक के खाते में गया, किस चीज़ में उपयोग किया गया, कोई ज़मीन खरीदी गई, कहाँ गया वो पैसा। हवा हवा में आरोप लगा के कार्रवाई करना, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते।